प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइज, प्रीव्यू में आपने वीडियो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, ये लिरिक्स और जो इफेक्ट है, मतलब जो भी एडिटिंग है, वो रील्स ट्रेंडिंग है, ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी आ रहे हैं, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा। जो मैंने थंबनेल में उसी भाई के आईडी से कैप्चर लेकर अपलोड किया था, जिन्होंने रील्स पर अपलोड कर रहा है, मतलब काफ़ी सारे ट्यूटोरियल उन्होंने अपलोड, मतलब वीडियो अपलोड किया, ट्यूटोरियल तो मैं दे रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कड़ा। इस टाइप की वीडियो आप भी बना सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की जो पोस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है। तो फुल एडिटिंग में बताने वाला, पूरा एडिटिंग में बताऊंगा आपको, वीडियो देखना होगा। जो भी मटेरियल यूज हो रहा है यहाँ पे, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडी फॉन्ट करके एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करना होगा, इंडियन फॉन्ट करके ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। मैंने इसे ओपन किया, इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। तो इसे लेने के बाद आपको यहाँ पे यूनिकोड जो श्रीदेव लिखा हो, इस पर आपको सिंपली टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको हिंदी में जो भी टेक्स्ट आप, मतलब जो साइडी पोस्ट आप लिखना चाहते हो, उसे हिंदी में यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो मैंने कॉपी करके रखा है, तो मैं यहाँ पर पोस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखा हुआ, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत, कभी देखने की तमन्ना। ठीक है, देन यहाँ नीचे यूनिकोड श्रीदेव जो लिखा हो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हो चेंज हो गया इसका। देन यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ से हटा दीजिएगा। अब गाइस, आपको क्या करना है, एलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। देन एलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर जब आ जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो प्लस के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रेजोल्यूशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉन्ग ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। देन ये वाला सॉन्ग यहाँ पे देख सकते हैं, सॉन्ग इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें यूज हुआ है। और इसी टाइप का मैं फुल एडिटिंग आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं इसमें नॉर्मल एक यहाँ पे डॉट पार्टिकल लगा हुआ है, जो कि आप वीडियो से भी यूज कर सकते हैं या फिर स्टार फिल्टर की मदद से भी लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट किया हुआ है और PNG लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। गाइस, सिर्फ ये वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक आप अपना यूज करते हो सही है, अगर आप नहीं करते हैं तो मैंने जो यूज किया हुआ, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड करूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। अब इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, वीडियो मतलब ऑडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। अब आ जाइएगा स्टार्टिंग में। देन यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लीजिए, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब कलर फिल्ड में जाइएगा, यहाँ पर ड्यूल कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, व्हाइट वाले को नीचे कर लीजिएगा, ब्लैक वाले को ऊपर कर दीजिए, कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से इसे रख लीजिएगा। अब ऊपर में जो है इसका कलर आपको स्काई कर देना, जैसे वहाँ पर था वैसे ही मैं कर रहा हूँ, फुल स्काई कर देते हैं। तो नीचे से यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ ले लीजिएगा इस तरह से, जैसे वहाँ पे था उस तरह से उतना ही हम रखेंगे। अब व्हाइट वाला जो है उसका गोल्डन टाइप का कलर कर दीजिएगा, इस टाइप का ही यहाँ पे था शायद, तो आप देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं या मैंने जैसे एडजस्ट किया आप कर सकते हैं। इतना काम हो गया, अब यहाँ से बैक आइएगा, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लास्ट में जाइएगा, यहाँ से इसे भी लास्ट तक खींच लीजिएगा। तो सॉन्ग जितना टाइम है उतना टाइम ये हो गया। अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। अब ये वाला PNG मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, तो इस PNG को आप ले लीजिएगा, मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम वाली ऑप्शन की मदद से इसे जूम आउट कर लीजिएगा। देन इसे मूव करके यहाँ पे रख लीजिएगा। इसमें भी कोई इफेक्ट आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ, बॉर्डर शैडो में जाकर इसका शैडो में थोड़ा सा ऑन करता हूँ और इसे जीरो कर देता हूँ, तो थोड़ा सा बोल्ड टाइप का दिखेगा। इस पर और भी इफेक्ट आप दे सकते हैं, जैसे इफेक्ट में जाकर एड इफेक्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ड्राइंग एडिज में जाकर स्मूथ वीवल वाला इफेक्ट यहाँ पर अगर आप लगा देते हैं थोड़ा सा इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको रखना। तो 3D में थोड़ा सा यहाँ पर 3D टाइप का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर 3D टाइप का ग्लो कर रहा है यहाँ पर। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, वहां पे भाई ने इस टाइप का कुछ भी इफेक्ट नहीं लगाया था। अब एक और काम लास्ट आपको करना है, तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कीजिएगा। देन यहाँ पे कलर में जाकर इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर दीजिएगा, करने के बाद यहाँ से बैक कर दीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, एड फिल पर जाइएगा। देन यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड्यूर में चले जाना है, सिंपल स्टार फिल को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। देन यहाँ पे एक की लगा लेना है, की लगाने के बाद लास्ट में इसके जाइएगा और यहाँ पे भी एक की लगाइएगा। अब यहाँ पे इसे अगर इस साइड में एक्स को आप करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाएगा, अगर इस साइड में करते हैं तो राइट से लेफ्ट जाएगा, मतलब इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड, तो 0 पे रहने देता हूं। अब वाई को सेलेक्ट करते हैं तो हमें नीचे की तरफ ले जाना है, तो इसे 300-400 तक आप कर दीजिएगा। तो स्टार्टिंग में अगर प्ले करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहां से बैक आते हैं, इसमें और भी एडिटिंग आप कर सकते हैं, बस मैं सिर्फ इफेक्ट बता दिया हूं, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा। अब लास्ट तक आ जाएंगे, ये वाले ड्यूरेशन पर क्लिक करके इसे लास्ट तक खींच लेंगे और जो PNG था उसे भी लास्ट तक खींच लेंगे। ठीक है, अब गाइस जो ये पार्टिकल हम लगाए हैं उस पर क्लिक कीजिए, ब्लेंडिंग में जाइएगा, लाइटन पर क्लिक करके यहाँ से ऐसे
टाइटन कर सकते हैं या स्क्रीन कर लीजिएगा, स्क्रीन कर लीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ से प्ले करके आप देख सकते हैं तो डॉट पार्टिकल इस पर लग चुका है। अब नेक्स्ट काम हमारा गाइस, तो नेक्स्ट जो लास्ट वाला काम है ये हमारा लाइरिक्स का। तो इसके लिए स्टार्टिंग में आइए, प्लस का एक में क्लिक कीजिएगा, नया टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा और जो लाइरिक्स आप लेकर आए हैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। तो लाइरिक्स आपका कुछ इस तरह का होगा, कोडिंग में, ये कोडिंग है ठीक है। अब इसे अलाइन कर लीजिएगा, रोबोट पर क्लिक कीजिएगा, वीवो ऑल में जाइएगा। गाइस इसका फॉन्ट जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो फॉन्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया, जस्ट इस पोस्ट के नीचे में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सर्च करने में मतलब मान लीजिए आप कुछ टाइम बाद वीडियो देख रहे हैं तो कैसे किसी भी मटेरियल को फाइंड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे फाइंड करना काफ़ी ईजी है। जो ट्यूटोरियल हम लोग देते हैं तो उसका लिंक के साथ में ही मतलब वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इस पोस्ट का लिंक कॉपी कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे चैनल पे जाकर उसे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है, जब यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा फॉन्ट तो आप सिंपली सर्च कीजिएगा S2L ठीक है, और ये वाला फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दो फॉन्ट आपको मिलेगा, S12 3989 2 करके है और S12 3889 2 करके है ठीक है। तो दो ठो फॉन्ट यहाँ पे मिलता है, ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है ठीक है। तो आपको मैंने एक बोल्ड वाला और एक कम मतलब थोड़ा पतला टाइप का है, तो इस टाइप का दो ठो फॉन्ट प्रोवाइड किया है। तो आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, जैसे ये वाला अगर लेते हैं तो इस तरह से थोड़ा बोल्ड दिखेगा, अभी इसे इस तरह से बढ़ा दीजिएगा। इसका साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देख लीजिए दो लाइन में रखना चाहे, तीन लाइन में रखना चाहे, तो जितना पे आप रखना चाहेंगे उतना पे आप ये इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसका कलर आपको जो भी रखना हो रख सकते हैं, तो मैंने कलर वहाँ पे ब्लैक था तो मैं यहाँ पे ब्लैक ही रख देता हूँ। मैंने इसे तीन लाइन में कर दिया ताकि थोड़ा बोल्ड रहे, या फिर थोड़ा छोटा कर देते ताकि टू लाइन में ही रहे, तो सही रहेगा यहाँ पे देखने में जो अच्छा लगे, ये ऐसे सही लग रहा है देखने में, तो मैं इतना पे रहने देता हूँ। देन राइट क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक इफेक्ट इसमें आपको देना होगा, तो इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको ड्राइंग एडिट में चले जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ड्राइंग प्रोग्रेस करके एक इफेक्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे एंड पे क्लिक करके एक की लगा लेना है। देन की लगाने के बाद इसे आपको यहाँ से पूरा गायब कर देना है, मतलब जीरो कर लीजिए तो ऑटोमेटिक ही गायब हो जाएगा। अब आपको लास्ट से थोड़ा सा पहले यहाँ पे की लगाना है और इसे इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो गाइस जब देखेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इफेक्ट आ रहा है ठीक है। तो ये पूरा लास्ट तक आ जाना है जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, तो पूरा 100 करने के बाद ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद कट रहा है, देख लेते हैं एक बार, एंड तो यहाँ पे पूरा ख़त्म हो रहा है, इतना तक ही था शायद, एक सेकेंड गाइज इसे हाइड करके देख ले, इतना तक ही था तो यहीं पे आएगा ठीक है। अब सही है तो इसे हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब गाइज दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब ये तो यहीं तक है तो हम इसे पूरा लास्ट तक करेंगे। उसके लिए इस एरो पे क्लिक कीजिए, आप लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ड्यूरेशन पे क्लिक करके आगे खींच लीजिएगा, अब ये लास्ट तक आ जाएगा। तो अभी आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब गाइज एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बट थोड़ा सा वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मैंने ये ट्राई किया नहीं था तो मैं करके देख लेता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे जो इफेक्ट ट्राई किया वो इफेक्ट यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, तो चलिए उसे छोड़ते हैं। अभी इसे ओपन कर लीजिएगा टेक्स्ट में जाकर, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट ये सही नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट और दे देते हैं ठीक है। जैसे यहाँ से ये वाला पॉइंटर दे देते हैं और फिर यहाँ पर कुछ ये वाला दे देते हैं ठीक है। अब सही लग रहा है तो अब राइट क्लिक कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार प्ले करके ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, ये दो ठो जो ये दोनों जो लगा हुआ है इसे हटा कर देखते हैं इससे क्या हो रहा है, तमन्ना ठीक है गाइस, यहाँ पे ये लगा कर देखते हैं तमन्ना, अब सही लग रहा है ठीक है। अब राइट क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ओहो थोड़ा सा और आ गया इसमें एक्स्ट्रा, तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस ये सही हो गया, ऐसे ही हट गए, अब यहाँ पे ये सही लग रहा है ठीक है। अभी कुछ इस तरह से आएगा। अब गाइस इसमें आपको अपना लोगो वगैरह जो भी लगाना हो उसे लगा सकते हैं, तो प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, जो भी आपका यूजर आईडी हो उसे आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, जैसे मैं MKSINGH और ये वाला 1051 ठीक है गाइस। अब यहाँ पे इसे अलाइन करेंगे, रोबोट पर जाकर एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी फॉन्ट आप लेना चाहे ले सकते हैं, साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लीजिए, कलर भी आप यहाँ पे लगा लीजिए जो कलर आप रखना चाहे, तो मैं ब्लैक रहने देता हूँ। देन राइट क्लिक कर लेते हैं,
इसे यहाँ से मूव करके सबसे पहले तो इसे लास्ट तक कर लीजिए, यहाँ पे लास्ट तक मैंने कर दिया। देन इसे यहाँ से मूव करके और नीचे की तरफ रख लीजिए, कॉर्नर पे साइड में रख लेते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। देन यहाँ पे जो इफेक्ट हम दिए हैं, इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी इफेक्ट करने के बाद ऊपर वाले पे भी जाएंगे और इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, तब इसमें भी इफेक्ट लग जाएगा, जो कि यहाँ से प्ले होने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, हमारा एडिटिंग फिनिश हो चुका है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इफेक्ट आप देना चाहे तो दे सकते हैं, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल इफेक्ट इसी तरह से जो ट्रेंड कर रहा है उसमें सिर्फ इसी तरह से था, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ऊपर जो एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इस तरह की पोस्ट मतलब क्रिएट करके और इसमें और भी एक्स्ट्रा इफेक्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि भाई ने जो रील्स पर अपलोड किया वो नॉर्मल इफेक्ट के साथ में और काफ़ी ज़्यादा उनके फैन फॉलोइंग इंक्रीज हुए हैं और होते जा रहा है कंटिन्यू, क्योंकि वो पोस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।